इस वाली वीडियो मैंने आपको बताया कि आप लोग कैसे खुद का टेक्सचर बना सकते हो माइनक्राफ्ट में और भी इंस्टॉल भी कर सकते हो इजीली। और मैंने बहुत ज़्यादा छोटी वीडियो रखी है और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, तो स्किप मत करना। और हाँ, मैंने खुद का भी टेक्सचर बनाया था जो कि मैंने 900 पर रिलीज किया था। और हाँ, अगर आप लोग को उसको देखना है तो पिन कमेंट में उसका लिंक होगा, आप लोग जाके देख सकते हो। काफ़ी अच्छा टेक्सचर पैक है, मेनली पीवीपी बेडरोड्स के लिए बनाया गया, तो आप लोग जाके उसको एक बार देख लेना। और चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर लिखना है एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट पीई, और ये वाला लोगों के साथ ऐसा कुछ आएगा, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। और एक जरूरी बात, हम लोग बन के काफी ज्यादा पास है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐप को ओपन करना है, यहाँ पे प्लस वाला साइन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके टेक्सचर में जाना है। टेक्सचर में जाने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसके बाद मैं आइटम में जाता हूँ क्योंकि मुझे आइटम में करना सेलेक्ट। यहाँ जाकर मैं स्वॉर्ड लिखता हूँ तो स्वॉर्ड लिखने का सारी स्वॉर्ड आ जाएंगी, और मुझे डायमंड स्वॉर्ड करनी है इसलिए मैं डायमंड स्वॉर्ड को कर लेता हूँ। ये सारी इमेज डाउनलोड होती है तो आपका थोड़ा नेट जाएगा, इसमें पहले उतार रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जाकर मैं रबर से इसको थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए। आप चाहे तो इसको स्किन कोई ओवरले की तरह भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको मिटाना नहीं है। उसके बाद आपको पेंसिल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप अपने टेक्सचर का साइज सेलेक्ट कर सकते हो, 32x, 64x, जितना भी आपको करना है उतना कर सकते हो। मैं नॉर्मली रखूँगा 16x क्योंकि वो सबके फ़ोन में चल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से जाके आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कलर चाहिए तो आपको जो है FF लिखा हुआ है, यहाँ पे जाकर आपको उसका कलर कोड लिखना है जो कि आपको गूगल पे मिल जाएगा, उसके बाद वो स्पेसिफिक कलर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जल्दी जल्दी मैंने ऐसा कुछ टेक्सचर बना दिया, आप लोग देख सकते हो। उसके आपको इसको सेव करना है, सेव करने के बाद आपको जो अपोजिट एरो उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास पूरा पेज खुल के आएगा, तो यहाँ पे आपको नाम जो भी अपने लिखना है या फिर आपका नाम और अपने टेक्सचर का नाम वो सब लिख सकते हो। यहाँ पे आप कस्टमाइज इसको कर सकते हो। अगर आपको अपने टेक्सचर पैक को कोई स्पेसिफिक फोटो देना है तो आपको यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी गैलरी में ले जाएगा, जहाँ भी आपने अपना सेलेक्ट किया, मतलब जो भी पिक्चर सेव करके रखी अपने टेक्सचर पैक के लिए या फिर अपना लोगो, उसको आप जाके यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये वाली मेरी फोटो है तो मैं इसको लगा लेता हूँ। लगाने के बाद आपको बस यहाँ पे सब कुछ हो गया, आपको टिक के ऊपर क्लिक करना और आपका एक्सपोर्ट होने शुरू हो जाएगा। तो ऐड जब आपकी पूरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको इंपोर्ट टू माइनक्राफ्ट पर क्लिक करना और आपका इंपोर्ट हो जाएगा माइनक्राफ्ट में। आप ऊपर देख सकते हो इंपोर्ट स्टार्टेड हो चुका है और यहाँ पर तुरंत इंपोर्ट भी हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना जो कि आप लोग को आता ही होगा। उसके बाद थोड़ा लोड लेगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपने वर्ल्ड में जाके कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं प्ले भी किया, हमारे टेक्सचर पैक वाला वर्ल्ड है, हमें चल जाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं वर्ल्ड में, और यहाँ पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ ये वाला टूल वाला सेक्शन, और ये रहा हमारा डायमंड स्वॉर्ड जिसका टेक्सचर आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग भी ऐसा अपना तो कोई भी टेक्सचर बना सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा आसान है फोन में, तो ये वाला बहुत ज़्यादा आसान है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट से पूछ लेना, मैं आपको आराम से बता दूंगा, तुरंत बता दूंगा। हमें मिलता होगा अगली वीडियो, तब तक सबको नमस्कार।